तो दोस्तों मैं आपको बोलूं कि कोई यूट्यूबर जो है टोटल गेमिंग के ऊपर FIR दर्ज कराने वाले हैं करके, तो आप यकीन करोगे? अगर यकीन नहीं करोगे तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, तो आप जरूर से यकीन कर लोगे। तो और भी छोटे मोटे अपडेट है तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे आदर्श सिंह यानी ओमेगल किंग के बारे में। तो दोस्तों आदर्श सिंह के ब्लॉग में एक लड़की दिखती है कनिका नाम की, जो आदर्श सिंह को ओमेगल में मिली थी, जो आदर्श सिंह के साथ ब्लॉग बनाती है। वहाँ पर आदर्श सिंह के फैन जो है कनिका के ब्लॉग में कॉमेंट बॉक्स में स्पैम करते रहते हैं कि भाभी भाभी करके। तो इसी चीज को रिप्लाई करते हुए, पूरा एक्सप्लेन करते हुए आदर्श सिंह क्या बोले, आप लोग खुद ही देख लीजिए। एंड हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ तुम लोगों को, यार तुम लोग कमेंट सेक्शन में भाभी बना दिया तुमने, दोस्त है यार मेरी वो, है ना, भाभी भाभी कमेंट करते रहोगे तो भाई मेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड जो होगी वो बुरा मान जाएगी और इसका फ्यूचर बॉयफ्रेंड बुरा मान जाएगा। तो ये मेरी दोस्त है, ठीक है, तो यही बताना था, तो प्लीज। और अगर तुम्हें किसी को भाभी बनाना है तो मेरी भाभी बनवाओ, यही बोलना था। बाकी जब गर्लफ्रेंड मेरी बनेगी तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि इनको तो बताऊंगा, किनको बताऊंगा, तुम्हें ही बताऊंगा, ठीक है। मेरे को तो पता है, तुमको भी बताएगा, ठीक है। तो प्लीज भाभी मत लिखना, समझ लो बुरा मान जाएंगे। तो दोस्तों आप सब लोगों को क्या लगता है, कनिका जो है आदर्श सिंह की गर्लफ्रेंड है? कमेंट करके जरूर बता देना मेरे को। तो दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो दोस्तों हम बात करेंगे शुभ और विराट कोहली कंट्रोवर्सी के बारे में। तो दोस्तों शुभ का एक नया डिस्ट्रैक्ट आया, जिस पर लोगों का कहना है कि शुभ ने कंगना और विराट कोहली को टारगेट किया है। लेकिन दोस्तों विराट कोहली और शुभ की चैट लीक हुई है, जिस पर दोनों बात कर रहे होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, सपोर्ट किया था, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, जिस पर शुभ रिप्लाई करते हुए बोलते हैं, लाइन ये लाइन आपके लिए नहीं थी, ये हिप हॉप का कोई भी रिसेंबल कर लेता है। सो गाइस ये चैट तो मेरे को फेक है कि रियल ये पता नहीं है, लेकिन जिसने भी ये क्रिएट किया है वो एकदम परफेक्टली क्रिएट किया है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो दोस्तों ये अपडेट को आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये कोई नई मीट पैट है जो कि FIR दर्ज कराने वाले थे। तो दोस्तों मीट पैट के चैनल से एक वीडियो आउट होती है, जिस पर टोटल गेमिंग फेस रिवील फेक है करके इस पर बात बोली। तो दोस्तों सबसे पहले आप उनकी छोटी सी क्लिप देख लीजिए। तो हेलो 37 मिलियन सब्सक्राइबर्स, मेरा नाम है अज्जू भाई अजेंद्र वरिया। मैं तो बिलीव नहीं करता तेरा नाम है अजेंद्र वरिया। देखो मैं स्टार्टिंग में बोला था वीडियो के कि मुझे ऐसे लगता है कि टोटल गेमिंग का फेस रियल फेक है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता नहीं कि इसका आवाज और फेस मैच होता है। आई डोंट नो, नहीं होता मैच। बहुत सारे यूट्यूब फ्रेंड्स का भी मैसेज आया कि भाई टोटल गेमिंग का फेस रियल फेक था क्या, डबिंग किया था क्या? अभी देखो मैं भी बोल सकता हूँ कि मैं टोटल गेमिंग, देखना कैसे। तो हेलो 37 मिलियन सब्सक्राइबर्स, मेरा नाम है अज्जू भाई अजेंद्र वरिया। सेम ना, नहीं लग रहा तुम लोग को ऐसा? इट्स डबिंग। देखो मैं मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, समझे ना, मुझे चैलेंज मत करो। मुझे समझता है कि कब आवाज असली होता है या नकली। मैं कोर्ट में केस कर सकता हूँ प्रूव करने के लिए कि अज्जू का फेस रिवील फेक है। आया 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 तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर से कर देना, एंड मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।